बहुत तेजी के साथ फैलता है। अब इस बात की पूरी आशंका है कि यह चूंकि जबलपुर के साथ हम लोगों का नियमित संपर्क है, हमारे कई सारे कर्मचारी, हमारे नागरिक रोज जबलपुर जाते हैं, रोज जबलपुर से आते हैं। हमारे यहाँ जबलपुर से बहुत सारी सामग्री यहाँ आती है, यहाँ से वहाँ जाती भी। मुझे लगता है अपने को पूरी सख्ती के साथ एहतियात बरतना जरूरी है। एहतियात का केवल एक ही उपाय है कोरोना वायरस से, वो ये है कि 14 दिन तक जो है पूरा कंप्लीट आइसोलेशन रखा जाए, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जबलपुर से यदि वायरस हमारे जिले में आ चुका होगा तो अगले 14 दिन के अंदर जो है हम उसकी पहचान कर लें, और जिस व्यक्ति में ये वायरस है वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो नहीं पहुंचा पाए, इस बात की अपने को चिंता थोड़ा सा पालना पड़ेगा। इसमें प्रेस का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वातावरण का जो है वो निर्माण करते हैं। हमने कल रात को जो है बड़ी मैराथन बैठक ली, जिले के थाना प्रभारी लेवल के नायब तहसीलदार लेवल तक के सारे अधिकारी कर्मचारी रात को 12 बजे यहाँ इकट्ठा हुए। करीब 2.25 घंटे तक हमने हर परिस्थिति पर विचार किया, जो भी कदम हम एहतियात के तौर पर उठाने जा रहे थे उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नागरिकों को क्या परेशानी जाएगी, हमको प्रतिबंधों को इम्पोज करने में क्या परेशानी जाएगी, उन प्रतिबंधों को हम कैसे इम्पोज करेंगे, जो परेशानियां जाएंगी उनका कैसे हल निकालेंगे, इन सारी चीज़ों पर हमने विचार किया। कुल मिला के हमने निर्णय ये लिया कि हमको जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। यदि जनता का सहयोग हमको नहीं मिलेगा तो हम इस विकट आपद स्थिति से जो है बाहर नहीं जा पाएंगे।